अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना डेफोडिल्स का स्टैंजा नंबर 3 और फिर 4। स्टैंजा 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड but little thought what wealth the show to me had brought। ये अच्छा, इसी तरह से आप poems को पढ़ते हैं। poems की recitation एक मखसूस तरीके से होती है, particular इसका एक तरीका होता है। इसका जो मतलब आ रहा है हमारे पास वो कुछ ये आ रहा है, the waves beside them danced but they के डेफोडिल्स के पास जो वेव्स थी किस चीज की, जो झील थी, जो लेक थी, उसकी वेव्स थी, वो भी डांस कर रही थी। अब उनकी जो मूवमेंट है उसको पॉइंट कह रहे हैं डांस। अगेन पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग को इंसानों की क्वालिटी दी गई है। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउटडिड का मतलब होता है एक बेहतर परफॉर्म करना, कि उनका भी एक डांस चल रहा था, उनकी भी एक परफॉर्मेंस चल रही थी वेव्स की, लेकिन जो मूवमेंट, जो डांस डेफोडिल्स का था वो उससे काफी बेहतर था। ठीक हो गया। अच्छा, स्पार्कलिंग शाइनिंग वेव्स का मतलब होता है लहरें, ग्ली का मतलब होता है खुशी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, कि अगेन गे का मतलब भी खुशी होता है, खुश होना होता है। और वो कह रहे कि एक जो शायर है इस सिचुएशन में, उस वो सिर्फ इस सिचुएशन में खुश ही हो सकता है। ऐसी खूबसूरत नज़ारे के सामने उसको कोई दुख फील नहीं हो सकता, उसके पास सिर्फ यानी एक ही फीलिंग होगी, वो होगी खुशी की, और जॉयफुल फीलिंग, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इन सच अ जोकिंड कंपनी। जोकिंड का मतलब होता है जॉली, हैप्पी, और कंपनी का मतलब होता है कंपेनियनशिप, दोस्ती, जो आपके लोग साथ हैं। यहाँ पर इंसान नहीं है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर फूल हैं, फूलों की उनके पास कंपनी है, नेचर की एक कंपनी है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, गौर करना, किसी चीज को देखते जाना। बट लिटिल थॉट, कि उस वक्त जो पोएट थे वो देखे जा रहे थे और उन्होंने इतना नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा? What wealth the show to me had brought, कि ये जो पूरा नजारा था, ये जो पूरा शो था, उससे उनके दिल में ना एक खजाना सा आ गया। वेल्थ का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है दौलत, यहां पर मैं इसमें लिखूंगी ट्रेजर। इसमें मैं आपको क्योंकि ट्रेजर से ही ट्रेजर की तरह ही ये एक याद, ये एक मेमोरी उनके दिमाग में बस गई। ठीक हो गया। चंद इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आउटडिड, जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी से कोई काम बेहतर करना, ठीक है, इसका यही लिखा जा सकता है, से बेहतर काम करना। यहां पर इसका मतलब है कि लहरें भी नाच रही थी, लेकिन जो डांस, जो परफॉर्मेंस आपके डेफिडेंस की थी वो उससे बेहतर थी। आउट परफॉर्म सिनोनिम इसका मैंने लिख दिया, आउट परफॉर्म। ओके, ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी। आगे जो चंद अल्फाज हैं उनका मतलब है ये खुशी, हैप्पीनेस। अच्छा, क्यों ऐसा है कि पोएट ने एक जगह पर ग्ली यूज कर दिया, अगली जगह पर गे यूज कर दिया, उससे अगली जगह पर जोकंड यूज कर दिया, अगले से स्टैंजा में उन्होंने और डिफरेंट वर्ड्स यूज किए, और इन सब वर्ड्स का एक ही मतलब है, वो है हैप्पीनेस, प्लेजर, खुशी। इसके इसका मकसद ये होता है कि जब आप एक वर्ड को रिपीट करते हैं ना एक कॉम्पोजिशन में, एक पोएम में, कोई ऐसे में, कोई स्टोरी में, तो वो स्टोरी, वो चीज बोरिंग हो जाती है और वो अगला बंदा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता इस तरह से। तो बेहतरीन काम ये होता है कि
सिनोनिम्स भी हम इसीलिए करते हैं कि एक जगह पर आपने ये वर्ड यूज कर दिया, अगली जगह पर आप वो वर्ड यूज कर दें, उससे अगली जगह पर आप अगला वर्ड यूज कर दें। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, जब भी आप कोई कॉम्पोजिशन लिख रहे हो। आगे भी वर्ड गे, खुश, हैप्पी, फिर है जॉकेंट का मतलब होता है खुशी ही आ जाएगा इसमें, जॉली आ जाएगा सिनोनिम। खुश इखलाक लिख सकते हैं। अगला वर्ड है गेज, गेज का मतलब होता है गौर करना, कंटिन्यूसली किसी चीज को देखना। ऑब्जर्व लिख दें इसमें। अगला वर्ड है वेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया इसमें हम लिखेंगे खजाना या दौलत। सिनोनिम में हम इसका लिख देंगे, सिनोनिम में हम लिखेंगे ट्रेजर, क्योंकि इस पोइम के मुताबिक, इस मौके के मुताबिक इसका बेस्ट सिनोनिम ट्रेजर बन रहा है। ठीक हो गया, अब हम इसका नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इस पोइम का आखिरी स्टैंजा है, उससे पहले एक बॉक्स में क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ द डेफिडेंस। काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसका जवाब ये है कि द पोएट फील्स वेरी हैप्पी एंड ग्लीफुल इन द कंपनी ऑफ डेफिडल्स। ठीक हो गया, आगे हमारे पास जो आखिरी स्टैंजा है वो कुछ इस तरह है, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस With the daffodils. ठीक हो गया, अब ये इसका क्या मतलब है, इसमें for oft, यहाँ पे एक word use किया poet ने, oft short form है often की, when on my couch I lie, यानी कि जब मैं अपने sofa पर, couch पर लेटा होता हूँ, in vacant or in pensive mood. Vacant का मतलब होता है empty, खाली, जब मैं कुछ सोच नहीं रहा होता। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, यानी कि ऑपोजिट्स आ गए, कि वेकेंट का मतलब है खाली, कुछ ना सोचना, और पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल होना, कंटेम्पलेटिव होना, किसी चीज पर गौर कर रहे होना। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये बड़ी अच्छी, एक बहुत अच्छा वर्स है, जिसका मतलब है कि जब मैं लेटा होता हूँ और मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, या जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो उस वक्त मेरे दिमाग में, इनवर्ड आई में, मेरे माइंड में, मेरी सोच में क्या आता है, अच्छा अब वो कह रहे कि ये इनवर्ड आई क्या है, ये मेरा, मेरे माइंड की ये जो सोच है ये क्या है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि तन्हाई का जो एक तोहफा है, जो एक राहत है, जो एक खूबसूरती है, उसमें जो मेरी इनवर्ड आई है, जो मुझे अपनी तन्हाई में मिलती है, अपने सॉलिट्यूड में मिलती है, उस वक्त क्या होता है, एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मेरे दिल में बहुत ज्यादा खुशी उभरती है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उस वक्त मेरा दिल डैफोडिल्स के साथ नाचता है। क्या इससे मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक पोइट ने एक व्यू देखा, एक सीनरी देखी, एक नज़ारा देखा, उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लिया, उसकी एक फ़ोटो ले ली अपनी अपने माइंड में, और जब भी वो अकेले होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं या वो फ्री होते हैं, उस वक्त वो उस बारे में सोचते हैं। ठीक हो गया, ये काफ़ी सिंपल सी पोइम है, काफ़ी पुरानी पोइम है ये, मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी हुई अब तक, तो इसका ये एक, इसकी ये एक समरी है, मेन आइडिया है। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, मीनिंग्स लिखते हैं। ऑफ्ट, अक्सर, सिनोनिम ऑफ्टन। आगे है वेकेंट, वेकेंट का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। ठीक हो गया, आगे हमारे पास वर्ड है पेंसिव,
गहरी सोच में। और कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, गहरी सोच में होना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा गौर करना। फ्लैश, फ्लैश का भी वही मतलब है, झलक। ग्लैंस, इमेज भी लिख सकते हैं इसमें कि एक झलक मेरे दिमाग में उन डेफोडिल्स की आती है। इनवर्ड आई, इसको क्या लिखें, इसको लिखें सोच, आपके अंदर की जो एक आवाज होती है, आपके अंदर की जो एक आंख होती है, आपके दिमाग में जो इमेज बैठती है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। इनवर्ड आई, इनवर्ड आई के साथ आप कर सकते हैं माइंड फुलनेस। वाह, अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है राहत, ब्लिस का मतलब होता है सुकून। और कंफर्ट लिख लें, ब्लेसिंग लिख लें। और उसके बाद वर्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई। अच्छा, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में एक फर्क होता है। सॉलिट्यूड होता है जब आप अपनी मर्जी से अकेले हो, और लोनलीनेस होता है जब आप वैसे ही अकेले हो, आपके पास कोई हो ही ना। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में, लेकिन मतलब दोनों का एक सेंस में लिया जा सकता है। स्लाइट डिफरेंसेस में, हल्का सा एक फर्क है। तो मैं इसमें लोनलीनेस नहीं लिख रही, बीइंग अलोन लिख रही हूँ। ठीक है, लोनली होता है तन्हा होना, अकेले होना, दुखी होना। सॉलिट्यूड जो होता है ना, वो एक दुखी सेंस में नहीं कहा जाता। सॉलिट्यूड एक, मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट सेंस में कहा जाता है, जब एक इंसान अपनी मर्जी से अकेला होता है और उसको एंजॉय करता है। प्लेजर, प्लेजर का मतलब भी वही है, खुशी। और मैं दोबारा वही लिख रही हूँ क्योंकि पोइट ने सारे वर्ड्स खुशी से रिलेटेड इस्तेमाल खुद ही कर लिए। हैप्पीनेस, सुकून, कंफर्ट, कंटेंटमेंट, ये तमाम आपके वर्ड्स हैं डिफिकल्ट। डेफिडल्स के एक्सप्लेनेशन थी, थीम था उसका, मेन आइडिया था। कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह।